हमारा बड़ा साफ कहना है कि हिमाचल प्रदेश में जब कांग्रेस की सरकार का ये दूसरा बजट सत्र है, इसमें मुद्दों को उठाएंगे। एक साल के कार्यकाल में इतने सारे मुद्दे कांग्रेस के खिलाफ हो गए हैं, इतने मुद्दे चार साल यानी पाँच साल पूरा होने पर भी नहीं हुआ करते थे। हर मोर्चे पर विफल हो गई है, असफल हो गई है। और ऐसे में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जो मुद्दे उठाने की बात है उसके लिए विधायक दल की बैठक हमने बुलाई है, और बैठक में हम चर्चा करेंगे, और चर्चा करने के बाद उस पर निर्णय करने के बाद जो कार्यवाही करनी है करेंगे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मामला भी लगातार उठता रहा है, अभी भी जो है वो प्रदेश सरकार जो पैसा जमा करवाना था वो नहीं करवा पाई है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी को लेकर काफ़ी रोष है। देखिए, इस बात को लेकर बड़ा मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का मसला अब बेवजह लटका हुआ है, और मुख्यमंत्री इस बात को स्पष्ट करें कि वो धर्मशाला में यूनिवर्सिटी के कैंपस को बनाने के पक्षधर हैं कि नहीं है, क्योंकि मुझे इस बात को लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके मन में यह है कि धर्मशाला में यूनिवर्सिटी का कैंपस बनना ही नहीं चाहिए, ये भाव है। अगर ऐसा भाव है तो स्पष्ट कर दें, अगर नहीं है तो जो 30 करोड़ रुपए जो एफोरेस्टेशन का जो है वहाँ पर कंपनसेटरी एफोरेस्टेशन का जो जमा करना है उसको जमा करें, बात खत्म है। और काम और वो जमा होता तो तुरंत वहाँ पर काम शुरू हो जाएगा, पैसा केंद्र सरकार दे रही है। ये विचित्र परिस्थिति है हिमाचल प्रदेश सरकार की, अनावश्यक रूप से इस सारे मामले को इस प्रकार से एक स्वरूप देने की कोशिश कर रही है। और आज मुझे जानकारी मिली कि भारतीय जनता पार्टी के हमारे पार्टी के साथी धर्मशाला में धरना भी दे रहे हैं इसी मुद्दे को लेकर के कि कैंपस धर्मशाला यूनिवर्सिटी धर्मशाला के नाम से है सर। और उसके बावजूद वहाँ पर जो जमीन हमने दी जिसकी फौरी सारी फॉर्मेलिटीज हमारे समय में पूरी हुई है, सिर्फ मात्र अब 30 करोड़ रुपए जो है वो टेक्निकल फॉर्मेलिटीज पूरा करने के पश्चात जो एफोरेस्टेशन का जो वहाँ पर जमा होना था उसको जमा करें और काम करें। उसका जिक्र वो हमेशा बार बार करते हैं, मैं तो सिर्फ एक ही चीज़ को लेकर के इसमें कहना चाह रहा था कि जब विपक्ष में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी थे, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी जब मुख्यमंत्री तब भी वो विपक्ष में ही थे एक तरह के, तो बहुत ज़्यादा विधायकों की बातों को लेकर के कहा करते थे, विधायक जनप्रतिनिधि है, विधायकों को ये होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, इस प्रकार से होना चाहिए, ये विधानसभा का हिस्सा रिकॉर्ड का हिस्सा है, आप मालूम कर लें। लेकिन जब अपने आप मुख्यमंत्री बन गए, आप एक विधायक निधि जिसका प्रावधान जयराम ठाकुर करके गया था उसमें से 50 लाख रुपए पिछली बार काट लिया आपने, और 50 लाख रुपए काटने की मंशा आपकी अब की बार भी है, और मुझे मालूम नहीं है क्योंकि इनकी बातों पर अब भरोसा नहीं है, बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं। तो ऐसे में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर आप देना चाहते हैं विधायक निधि तो जारी करें आज, ताकि 29 तारीख की 30 तारीख की विधायक दल की इसकी विधायक प्राथमिकता की बैठकों में विपक्ष उसमें हिस्सा ले सके। और दूसरी बात जो इनने एक और बात कही है कि आपदा के बावजूद जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो केंद्र की सरकार ने मदद नहीं की, सुखविंदर सुक्खू जी आपको समझ लेना चाहिए, अब आपको एक साल हो गया मुख्यमंत्री बने हुए, आपकी जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसमें 90% केंद्र दे रहा है, 10% आप दे रहे हैं, और हालात ये बन गए हैं जो 10% भी स्टेट गवर्नमेंट कुछ एक प्रोजेक्ट में कुछ एक स्कीमों के तहत जो जमा करना, तो आप तो उस जमा करने की स्थिति में भी नहीं है, इसलिए केंद्र के खिलाफ सोच समझ करके बोलिए। जब केंद्र 90% बजट हिमाचल प्रदेश के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से दे करके मदद कर रहा है, और उनको इस बात को भी स्मरण करना चाहिए जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, और वो जो बहुत विख्यात वित्त के जाने माने थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, मेरा सम्मान है उनके प्रति, लेकिन हिमाचल प्रदेश को जितनी भी केंद्र की स्कीमें थी मैक्सिमम में 50% स्टेट गवर्नमेंट 50% सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ एक स्कीम 60-40 में थी,
लेकिन 2014 में नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, नॉर्थ ईस्ट के साथ हिमाचल और उत्तराखंड को जोड़ा गया और जोड़ करके ये किया गया कि 90% केंद्र देगा और 10% हिमाचल प्रदेश देगा। ये क्या भूल गए हैं आप? इतना भी मत बोलिए केंद्र के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ। और जहां आपदा की बात है, आज हिमाचल प्रदेश में जितना भी ये जो आपदा का आपने पैकेज की घोषणा की है, मुझे आप स्पष्ट करें कि प्रदेश सरकार का हिस्सेदारी क्या है इसमें। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।